आपका अपना ही YouTube चैनल आई टी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम दो कॉमन टूल पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट पे फाइल यानी रेती और सेकंड पे हम जानेंगे एक्सा फ्रेम के बारे में। दोनों जो टूल हैं सभी ट्रेड के लिए कॉमन हैं और ये जो दोनों जो टूल हैं इसका हम आज इंट्रोडक्शन, सेकंड मटेरियल और नंबर थ्री पे साइज और नंबर फोर पे हम जानेंगे इसके पार्ट और नंबर फाइव पे जो फाइल जो होती है इसका एचआरसी जो है वो कितना होता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं ये आपके बीआईएस या फिर आईएसआई के अनुसार जो स्टैंडर्ड जो है जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया हुआ है उसके अनुसार ये क्वेश्चन हम करेंगे। तो आइए जानते हैं स्टेप बाई स्टेप। देखिए, सबसे पहले तो प्रिय विद्यार्थियों हम जानते हैं फाइल के बारे में। देखिए, फाइल को हिंदी में रेती बोलते हैं, जो कि आपकी इस तरीके की बनी होती है। जो शेप आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, आपकी रेती है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रेती यानी जो फाइल जो होती है यह एक प्रकार का क्या है, कटिंग टूल है, जो कि धातु को छोटे छोटे, ठीक है, यानी महीन या फिर बोल सकते हो सूक्ष्म कण के रूप में धातु को काटने का जो कार्य करती है वो फाइल करती है, उसे हम क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। ठीक है, नंबर दो पे ये जो फाइल जो है ये कौन से मटेरियल की बनी होती है। जितनी भी आपकी जो फाइल जो होती है ये हमेशा हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। नंबर थ्री पे क्वेश्चन आता है कि जो फाइल का जो साइज है वो कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है। ठीक है ना, तो उससे पहले हमें जो है इसके पार्ट यानी भाग है वो जानना जरूरी है, तभी हम इसका जो साइज है वो अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो भाग जो है इसका यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए, ये जो भाग जो है इसको हम बोलते हैं टैंक। ठीक है ना, जो मैंने एक राइट का निशान लगाया इस भाग को हम क्या बोलते हैं, टैंक बोलते हैं। कहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम टैंक बोलते हैं। टैंक के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक हैंडल लगाया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लगाते हैं, हैंडल लगाते हैं। ठीक है, और ये जो टैंक जो है इस भाग को हमेशा नरम रखा जाता है, सॉफ्ट रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है, क्योंकि जब हम इस फाइल के अंदर हैंडल लगाते हैं तो हैंडल कहाँ तक लगेगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक हैंडल लगेगा। ठीक है ना, इस दूरी के ऊपर। तो जो हैंडल जो लगेगा उसको जब हम लगाते हैं, ठीक है, अगर इस पार्ट को अगर हार्ड कर दिया जाता है तो यहाँ से वो ब्रेक हो जाती है। ब्रेक क्यों होती है, क्योंकि ये जो भाग जो है यहाँ से बिल्कुल पतला होता है। ठीक है ना, इसलिए इस भाग को नरम छोड़ दिया जाता है। पूरी जो बॉडी जो है, ठीक है ना, यहाँ से लेके इस टिप से लेके और यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम लेंथ बोलते हैं। पूरी जो बॉडी है इसको हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है और पूरी जो बॉडी है इसकी ये हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। ठीक है ना, नंबर दो पे हम बात करते हैं कि फाइल का जो साइज जो है वो कहाँ से कहाँ लिया जाता है। ठीक है ना, सेकंड जो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, टिप बोलते हैं। कुछ किताबों में इस भाग को क्या लिखा हुआ होता है, पॉइंट बोलते हैं, लेकिन इसको हम पॉइंट नहीं बोल सकते। पॉइंट हम किसको बोलते हैं, नुकीले चीज को बोलते हैं। तो आपको क्या बोलना है, टिप से लेके इसका जो साइज जो है वो हमेशा लिया जाता है इसके हिल तक। हिल कहाँ पे है, यहाँ तक। ठीक है, ये जो निशान किया मैंने यहाँ तक क्या है, इसकी हिल है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो भाग जो आता है ऊपर का जो भाग जो है इस भाग को हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये जो किनारा है इसको हम एज बोलते हैं। एज के ऊपर सिंगल कट कटे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो जो भाग जो है इसको हम क्या बोलते हैं, हिल बोलते हैं। ठीक है ना, हिल जो है वो खाली स्थान जो आपको दिखाई दे रहा है, जो बिल्कुल जहाँ पे टीथ नहीं कटे हुए होते हैं, इस स्थान पे ये आपका हिल है। हिल के ऊपर हमेशा कंपनी का नेम और फाइल का जो साइज है वो लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद में ये जो कॉर्नर सब मुड़ा हुआ है इसको हम बोलते हैं शोल्डर। क्या बोलते हैं, शोल्डर। शोल्डर मीन्स क्या होता है, कंधा। इस फाइल का ये क्या है, कंधा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सारे जो पार्ट यानी जो भाग थे वो मैंने बता दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो बनता है इसके अंदर कि फाइल जो होती है वो उसके ऊपर कितने प्रकार के कट कटे होते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है, कट जो होते हैं, जो सामान्य जो फाइल जो होती है उसके ऊपर सिंगल कट और डबल कट कटे होते हैं। ठीक है, वैसे तो बास्टर्ड कट की फाइल भी आपकी आती है। ठीक है, रफ कट भी कटे होते हैं, स्पाइरल कट भी कटे होते हैं, लेकिन अगर हम फ्लैट फाइल की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर हमेशा सिंगल कट और डबल कट दोनों कट कटे होते हैं। ठीक है, सिंगल कट देखिए एक एग्जांपल तौर पे हम समझेंगे, ये आपकी क्या है, फाइल है। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम सिंगल कट काटते हैं इस तरीके से तो आपका हमेशा नरम जो धातु होती है, जैसे एलुमिनियम हो गया, ब्रास हो गया, ठीक है,
या फिर लेड हो गया, उस धातु को घिसने के लिए हमेशा सिंगल कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर डबल कट की फाइल अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो कहाँ पे करते हैं, हार्ड मटेरियल को घिसने के लिए, जैसे MS यानी माइस्टील, या फिर आपका कास्ट आयरन हो, या फिर अलग तरह की कोई भी धातु हो, उसको घिसने के लिए हमेशा डबल कट की फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो BIS क्या कहता है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि फाइल का HRC जितनी भी आपकी फाइल है, ठीक है, हाई रैप्चरिंग जो कैपेसिटी जो है वो 62 है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइल का HRC कितना है, 62। उसके बाद में जो है ये काम क्या आती है, देख सकते हो आप यहाँ पे पूरा कंप्लीट जो लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है ना, फाइल का प्रयोग किया जाता है। फाइल क्या करती है, कहीं भी किसी भी जॉब के ऊपर, जिस तरह मान लीजिए ये जॉब है, ठीक है, तो जब हम काम करते हैं तो जॉब का कई बार क्या होता है, बीच का हिस्सा बड़ा हो जाता है और जो किनारे जो होते हैं ये हमेशा डाउन हो जाते हैं। उस स्थान को ठीक करने के लिए हमेशा फ्लैट फाइल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस पर हम ड्रॉ फाइलिंग भी कर सकते हैं, क्रॉस फाइलिंग भी प्रयोग करके उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये फाइल के बारे में मैंने बता दिया है। फिर भी फाइल से संबंधित, क्योंकि काफ़ी सारा ये बड़ा ये चैप्टर है, जनरली जो क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे इसका मटेरियल हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसके जो टीथ जो हैं ऊपर के, आप देख सकते हो ये वाले जो टीथ है, इनको हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। पहले हम फाइल को क्या करेंगे, हार्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हार्ड करने से जो इसके जो टीथ जो होते हैं ना वो जल्दी टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए इस फाइल की पूरी बॉडी को क्या कर देंगे, हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। उसके बाद में फाइल का एक क्वेश्चन और भी बनता है कि फाइल जो होती है, ठीक है, कितना भाग इसका टेपर होता है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक भाग टेपर है और यहाँ से लेके यहाँ तक समांतर है, यानी 1/3 भाग तो क्या है इसका टेपर है और 2/3 भाग क्या है समांतर है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आता है कि फाइल का कितना भाग टेपर होता है, 1/3 भाग टेपर होता है, 2/3 भाग समांतर यानी पैरल होते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि फाइल का जो है, जो फाइल जो होती है वो कन्वेक्सिटी क्या होती है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि फाइल का मध्यम जो भाग जो आप देखना वो थोड़ा सा उभरा हुआ मिलेगा बीच से, ठीक है ना, यहाँ से जो है फाइल का जो भाग जो है उभरा हुआ मिलेगा बीच से। वो कैसे पता चलेगा, जैसे हम फाइल को कैसे बताऊँ आपको, ये जो फाइल जो है आपकी, इसको अगर आप साइड से देखोगे ना, साइड से, तब आपको बीच से ये मोटी मिलेगी थोड़ी सी, ठीक है ना, उस भाग को क्या बोलते हैं हम, कन्वेक्सिटी बोलते हैं। कन्वेक्सिटी इसलिए बोलते हैं कि इसका फायदा क्या होता है, जहाँ से हम धातु को घिसना चाहते हैं वहाँ से आसानी से धातु को घिस सकते हैं यानी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न ये बनता है कि पिनिंग ऑफ फाइल क्या होता है, ठीक है ना, पिनिंग ऑफ फाइल क्या होता है कि फाइलिंग जब हम किसी जॉब के ऊपर करते हैं, ठीक है, फाइलिंग जब हम किसी जॉब के ऊपर करते हैं तो फाइल के अंदर हमेशा आप देखना कि उसके अंदर कुछ चिप्स फंस जाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से चिप्स फंस जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जॉब के ऊपर क्या आ जाएगी, लाइनिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपकी जॉब है, इसके ऊपर आपने फाइलिंग करी, ठीक है ना, फाइलिंग करने के बाद जब हम इसके ऊपर काम करते हैं तो इसके ऊपर स्क्रैच आ जाते हैं। ऐसे किसके कारण आते हैं, ये स्क्रैच इसके कारण आते हैं क्योंकि फाइल के टीथ के अंदर ये चिप्स फंसे हुए हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल। इसको ठीक कैसे किया जाता है, इसको हम किससे करेंगे, फाइल कार्ड से। किससे करेंगे, एक फाइल कार्ड आता है जिसके अंदर एक हार्ड तार होते हैं, वो बुर्च जो होता है ना उसको हम जिस टीथ की दिशा के अंदर चलाएंगे, देखिए इस दिशा के अंदर टीथ बने हुए हैं, इसी तरीके से उस फाइल कार्ड को हम चलाएंगे और इन टीथ को आसानी से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल। तो प्रिय विद्यार्थियों, फाइल से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए हैं, तो आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कौन सी फाइल आपकी, ये आपकी हाफ राउंड फाइल है, ठीक है, कहाँ से पता चला, देखिए बिल्कुल फ्लैट फाइल की तरह है, लेकिन ये जो डायग्राम यहाँ पे दिया गया है ये वाला, ठीक है ना, इससे हमें पता चलता है कि ये जो फाइल जो है आपकी, ये वाली फाइल, ये आपकी हाफ राउंड फाइल है, ठीक है। हाफ राउंड फाइल का जो प्रयोग जो किया जाता है, अर्ध गोलाकार, ठीक है, किसी भी तरीके की कोई जॉब हो उसके अंदर फाइलिंग करने के लिए हमेशा हाफ राउंड फाइल का प्रयोग किया जाता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो फाइल जो है आपकी, जो रेती जो है, ठीक है, उसका 1/3 भाग है, 1/3 भाग ये टेपर क्यों किया जाता है, ठीक है ना, इसको सीधा भी किया जा सकता है,
जितनी भी आप फाइल देखोगे मोस्टली, ठीक है ना, एक हैंड फाइल को छोड़ देना आप, क्योंकि हैंड जो फाइल जो होती है वो लंबाई में समांतर होती है, ठीक है, और बाकी जितनी भी फाइल है वो 1/3 भाग आपको क्या मिलेगा, टेप पर मिलेगा, ठीक है ना। टेप पर क्यों दिया हुआ होता है, ये क्वेश्चन भी बनता है। टेप पर इसलिए दिया हुआ होता है क्योंकि एक फाइल से हम कई काम कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपको ये एक जॉब है, ठीक है, इस जॉब के अंदर आपको ये करना है, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या काम करना है, इसके अंदर आपको फाइलिंग करनी है, ठीक है ना, इसके अंदर, तो इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल छोटा है, किसका, इस होल का साइज छोटा है, ठीक है ना। इसके लिए या तो हम छोटी फाइल लेके आएंगे, लेकिन टेपर होने के कारण इसी फाइल का हम यूज करके आसानी से इसके अंदर हम फाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आपकी हाफ राइट फाइल है। जितनी भी आपकी जो फाइल जो होती है, मोस्टली जर्नली जो प्रयोग किया जाता है फाइलों का, वो किया जाता है आपका 250 mm, ठीक है ना। अगर इंच की अगर हम बात करें तो 10 इंच की फाइल जो होती है वो सबसे अधिक प्रयोग इंजीनियरिंग लाइन के अंदर या फिर ITI के अंदर जो बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। वैसे तो शेप के अनुसार जो फाइल है वो काफ़ी प्रकार की फाइल है, जैसे आपकी हैंड फाइल है, फ्लैट फाइल है, राउंड फाइल है, ट्रेंगुलर फाइल है, हाफ राउंड फाइल है, नाइफ एज फाइल है, तो ये शेप के अनुसार आपकी 7 प्रकार की फाइल होती है, ठीक है। इसका HRC अगर देख लेते हैं कितना है, HRC देखिए यहाँ पे सेम होता है, मैंने बताया था आपको जितनी भी फाइल है आई रैप्चरिंग जो कैपेसिटी जो है वो 62 है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं हम एक्सा फ्रेम की तरफ, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये है आपके एक्सा फ्रेम, ठीक है। जनरली जो एक्सा फ्रेम है वो 300 mm यानी 12 इंच का जो एक्सा फ्रेम है वो अधिक प्रयोग किया जाता है, किए जाते हैं। एक्सा फ्रेम हमेशा दो ही प्रकार के आते हैं, एक फिक्स टाइप आता है और जो सेकंड जो है आपका वो होता है आपका एडजस्टेबल एक्सा फ्रेम, ठीक है ना। ये इसका क्या दिखाया, फ्रंट व्यू दिखाया गया है, ठीक है ना, ताकि ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। एक्सा जो फ्रेम जो होता है इसके अंदर हम ब्लेड को लगाकर किसी भी धातु को आसानी से काट सकते हैं, ठीक है ना। एक्सा जो फ्रेम है ये कौन से मेटल का बना होता है, तो देखिए BIS के अनुसार अगर हम बात करें तो एक्सा फ्रेम आपको हमेशा याद रख रहे हैं, ये माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है ना। उसके बाद में एक्सा जो फ्रेम होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक एडजस्टेबल होता है, दूसरा होता है फिक्स ब्लेड होल्डर। तो ये कौन सा है, फिक्स ब्लेड होल्डर, ठीक है ना। इसके अंदर फिक्स का मतलब क्या है कि इसके अंदर हम 300 mm का ही ब्लेड यूज कर सकते हैं, ठीक है। एडजस्टेबल वाला जो एक्सा फ्रेम है उसके अंदर हम 250 mm का ब्लेड जनरली प्रयोग करते हैं या फिर 300 mm का, ठीक है ना, दोनों यूज हो जाते हैं एडजस्टेबल के अंदर। लेकिन ज़्यादा जो प्रयोग होता है, क्योंकि ब्लेड जो ज़्यादा यूज होते हैं वो 300 mm वाले होते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए जो फिक्स टाइप जो होल्डर हैं वो अधिक प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं भी इसके कौन कौन से पार्ट जो होते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। इसको हम क्या बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं, ये आपका क्या हो गया, फ्रेम हो गया है, इसको हम विंग नट बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, फ्लाई नट, ठीक है ना, विंग नट भी बोलते हैं और फ्लाई नट। इसको हम क्या बोलते हैं, रिटेनिंग पिन, ठीक है ना, ये जो दो जिसके अंदर ये एरो के जो निशान जो लगे हुए हैं यहाँ पे, इसको रिटेनिंग पिन भी बोलते हैं या फिर प्रोंज पिन को बोला जाता है। और ये वाला क्या है आपका, फिक्स होल्डर, ठीक है, और ये वाला कौन सा है, एडजस्टेबल होल्डर। तो ये आपके एडजस्टेबल जो होल्डर या फिक्स होल्डर हैं ये अलग मेटल के बने होते हैं, ये आपके कार्बन के बने होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फ्रेम किसका होता है, ये माइस्टील का होता है, क्योंकि माइस्टील आपको पता है बिल्कुल कच्चा लोहा होता है, ठीक है, और ये जो होल्डर जो है ये कार्बन स्टील के बने होते हैं ताकि इसमें ब्लेड लगाते समय ये घिसे ना, ठीक है ना। तो ये था। उसके बाद में जनरली जो नॉर्मल जो साइज जो है एक्सा फ्रेम का वो इसने बताया है यहाँ पे 250 यानी 250 mm का, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं कि जो एक्सा जो फ्रेम जो है एडजस्टेबल जो होता है उसके अंदर होता क्या है। एडजस्टेबल इसके ऊपर ही मैं समझा देता हूँ आपको, ये जो डायग्राम बना हुआ होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से एक पत्ती लगी होती है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे छोटे छोटे दो होल हो जाएंगे, ठीक है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये हमेशा किस चीज़ का बना होता है, ज़्यादातर तो ये पाइप का बना होता है, दो गोल पाइप होती है, एक दूसरे के अंदर एडजस्ट करके आसानी से इनको एडजस्ट किया जा सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करें ब्लेड की भी साथ में ही कर लेते हैं कि ब्लेड जो एक्सा जो ब्लेड जो होता है
उसका साइज कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उसका साइज कैसे लिया जाता है। ये मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, ब्लेड बना दिया, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो गया, मान लीजिए कि टीथ कटे हुए हैं, ठीक है। ब्लेड का साइज जो प्रिय विद्यार्थियों कैसे लिया जाता है, ब्लेड का जो साइज जो है हमेशा लिया जाता है एक होल के सेंटर से, इसके सेंटर से लेके और इसके सेंटर की जो बीच की जो दूरी जो होती है वहाँ से ब्लेड का हमेशा साइज लिया जाता है। ब्लेड का आप साइज देखना, ठीक है, एक होल के सेंटर से दूसरे होल के सेंटर के बीच की जो दूरी होती है वहाँ से ब्लेड का साइज लिया जाता है, ठीक है। और दूसरा एक्स्ट्रा ब्लेड के फ्रेम के अंदर, ये आपका जो फ्रेम है इसके अंदर अगर हम ब्लेड लगाएंगे तो ये जिस तरह मान लीजिए कि ब्लेड मैंने इसमें लगा दिया है, ये जो ब्लेड जो हमने लगाया है इसके जो टीथ जो होते हैं ये हमेशा विंग नट की ओर होने चाहिए। किसकी ओर होने चाहिए, विंग नट की ओर, क्योंकि ऐसे 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 झुकाव होता है ना, तो वो हमेशा विंग नट की तरफ ही आपको यूज करना है। अगर विंग नट की तरफ ये टीथ अगर नहीं करेंगे, जैसे हम कोई एक्साइन करेंगे, तो ये जो ब्लेड आपका जल्दी ख़राब हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये दो क्वेश्चन थे, फाइल और एक्स्ट्रा फ्रेम। फिर भी इससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे अवश्य कमेंट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जो पसंद आएगी। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक, तब तक आपको जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।